बैक टू माई YouTube चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। यस मॉर्निंग है। मुझे माइक लेना चाहिए ना यार, माइक लेने का क्या फ़ायदा पता है? मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, इतना सामान कैरी करो, कहाँ रखो, शादी ब्याह का घर इधर उधर रख दूँगी। अच्छा मेरा आ गया पार्सल, घर दे दो बाबू। हाँ घर दे दो, मेरी ज्वेलरी आ गई बारात में पहनने वाली। वैसे मैंने अपना ऑप्शन रख रखा था, जो अमेजोन से मंगाया था वो भी बहुत प्यारे ज्वेलरी हैं, बट एक और मैंने मंगाया हुआ था, आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक था, बट ठीक है अब तो आ गया है। और हाँ माइक की बात करती हूँ, उससे वॉइस तो आप लोगों को क्लियर मिलेगी, लेकिन बस वो ये कैरी करने के उससे मैं आपको बता दूँ कि मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, ऐसे लेके ऐसे लगा के फ़ोन तो रहता है ऐसे शूट कर लो, बट अब मुझे पतिदेव जी कहते हैं कि नहीं आपको बिंदास होना है, बोल्ड होना है। हाँ है ना, मतलब क्या होता है? है ना, है ना, मतलब कि हाँ यस नहीं यस हाँ हाँ ठीक है हाँ, कि आपको बस अब व्लॉगिंग करनी है, आपका यही प्रोफेशन है तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस के साथ करना है। सबको पता है कि आप व्लॉगिंग करते हो, तो बिल्कुल बिंदास होकर अपना शूट करो। जब भी स्कूल जाता हूँ किसी को छोटा से सबका छोटा नहीं से मैं छोटा नहीं है। चलो आपका कट कर दो, एकदम छोटा नहीं होता। अच्छा अंदर धसा धसा के ठीक है। सो अभी जा रही हूँ मैं मौसी के घर, और मैंने ये ग्रीन सूट पहना है अमेजोन से, ये सूट बहुत प्यारा सूट है। आज हल्दी मेहंदी जो भी फंक्शन है, बट मेहंदी का तो हमने लगा लिया था, देखिए भाई को लगाना है, उसको देखते हैं क्या करना है कैसे, बट हल्दी का फंक्शन है जो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होता है। हाँ आज क्या क्या खाएंगे? क्या क्या खाएंगे? जो मर्जी खा लेना। तो हल्दी में हमारे यहाँ मटकूर होता है, ये हमारे बिहारी रिचुअल है। येलो वाला कुर्ता पहन के जाएंगे, हम किसी से एक बजे आएंगे। हाँ हम कितने बजे वहाँ पर पहुँचे? नहीं कितने बजे जाएंगे? जब स्कूल से आ जाएगा ना किसू, तब लेके चलेंगे ठीक है। तो हमारे यहाँ मटकोर होता है जो कि बहन कोरती है, और वो रसम मैं करूँगी, माटी कोरूंगी अपने भाई का सारा। मैंने रसम को पूछा था उसके कितने एक बजे और मेरी आपकी आप 3 बजे आते भाई मेरे भी एक। हाँ हाँ तो बस वही रसम होना है, मटकोर का रसम आपको पता है, ये माटी कोरने का रहता है, जो हल्दी खेलने का रसम होता है क्या ही बताए, वहाँ पर रहते कैसे खेलते हैं क्या खेलते हैं, पर बाकी सारी चीज़ें कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग बार बार पूछ रहे हो, उसका मैं सोच रही हूँ कि एक सेपरेट ब्लॉग बना के 8 मिनट का, 8 से 10 मिनट का, और बना के मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। जो डीसी होता है ना वो 12 साल का है, और जो उस क्या कहते हैं मिट्ठू मामू के जो गाँव है ना वो आधा भैया वो 13 साल के थे, यानी कि डीसी भी वो क्या कहते हैं 13 साल का होने में 5 लाख घंटे। ओके गाइस चलिए मैं बात करूँगी ना आपसे, तो ये लोनली फील करते हैं और बीच बीच में बोले जाते हैं, तो मेरा बच्चा है ना मम्मा जी। जैसे एक बार बताता हूँ, बस मैं अब रख दूँ गाइस, बोलेंगे क्या कर रहे हैं दोनों, 58, 59 और 100 नहीं उसके बाद तो आता ठीक है। अब मैं बात कर लूँ तो अभी बता दूँ आपको कि अगर एक घर में उसी घर में रहो तो ज़्यादा कुछ वो हो जाता है, कैसे भी सब कुछ करो। अब यहाँ पे हैं, यहाँ से आपको देख रही इतना चल के इतना डिस्टेंस है मौसी के घर और मेरे घर में, सो यही थोड़ा सा हो जाता है मतलब टाइम का, वो वहीं पर रहती तब तक मैं व्लॉगिंग भी कर रही होती, उसी में लगी रहती इधर उधर, बट ऐसा चलो फटाफट से रेडी होती निकलती हूँ अभी, कुछ आरती वगैरह कुछ भी रेडी नहीं हुए कुछ नहीं किया, तो अपने बाद में आएंगे। मैं जल्दी से आ गई, मौसी की शिकायत है आप लोगों को पता ही है, मैंने बोला कि नहीं मौसी मैं आ रही हूँ, बस सिंपल सी ऐसी अपना ड्रेस चेंज करके नहा के और मैं आ गई, अब नाश्ता करूँगी उसके बाद देखते हैं। हाँ आप मुझसे पूछोगे गाइस का फ़ोन रख दूँ? गाइस कल रात आपने ब्लॉग में देखा था कि मैं चूल्हा बना रही थी, ऐसे मिट्टी का चूल्हा होता है, और ये आप देख सकते हैं बच्चों के खिलौने जैसा बन गया, एक्चुअली मतलब कि नहीं हो पाया, मिट्टी इतना प्रॉपर नहीं मिल पाया जिसका चूल्हा बने, ये टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है, किसी भी तरीके से टिकाया है कि विधि करना है, हमारे यहाँ कौरपत का भात जो होता है वो चूल्हे पे ही बनता है, इसलिए और मैं यहाँ पे आई, और हमारा जो डेकोरेशन है हल्दी का मेहंदी का वो चीज़ हो चुका है, इतना प्यारा लग रहा है, वो दिखाती हूँ, ये देखिए डेकोरेशन हल्दी और मेहंदी का हो गया है,
मैक्सिमम फंक्शन होगा, फंक्शन तो हमारा अभी 3 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन वो डेकोरेशन करके पहले चला गया। मैंने उसको बोला हुआ था कि मुझे 3 बजे से पहले चाहिए, अपना करके चला गया। अच्छा लग रहा है ना, हल्दी हल्दी हल्दी। सो गाइज, आज हमारे यहाँ मटकोर है, माटी मटकोर बोलते हैं इसे। तो थार भरने के लिए ना रसियाओ और दाल पूरी बनता है। रसियाओ मीन्स बिना दूध का चावल और गुड़ का खीर। हेलो गाइस, देखो मेरा येलो पहन के रेडी हो गई है। हमारे यहाँ दाल पूरी और बिना गुड़ के खीर का रसिया है ना चाची, इसका थार भर आता है। किसके साथ खेल रहे हो? इधर तो लेके आओ, अंदर नहीं जाना है, जाओ बाहर ले जाओ, दवाई को ले जाओ, पूरी खा लेगा आपका, बाहर ले जाओ जल्दी। अच्छा, मैं नमस्ते करने के लिए नहीं बोल रही थी, मेरा पर्स ले आई। पैसा से डाल के लाई हो? Thank you.
200 दे लिए 100 दी है फोड़ लिया, इतना बड़ा गोला निकाल लिया है। तो हमें लगा सीढ़ी पे जब अभी आप लोग जो कलश उठा के ले जाते हैं उठ के सीधे सीढ़ी के कोने पे ही दूं और पूरा वहाँ पे इसका बुम बुम हो गया। दबाते चलो, अब ये दो दिन तक याद रहे, यही कहाँ जाता रहेगा। क्या ड्रेस पहनने का क्या फायदा? वेस्टर्न ड्रेस तो है, इनकी घूंघट करने का एक अलग ही मजा है जो कि अभी दिख रहा है ना। अक्षय तुम लोग इधर आओ, धनु इधर आओ। हम दोनों सेम सेम, कल भी दोनों अच्छा, मुझे लगा कि पूजा से कह रही है सैम सैम। नहीं नहीं, पूजा भाभी का तो अलग है। कल दिशा आई और बाबू को बोली है ना है? कि कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, तो हाँ दिशा बोली अपने कलर लेके, धनु हमारा सैम सैम, तो कह रहे हैं क्या उसको समझ में कि सैम सैम कह रही है ना, तो कह रहा आप ही सैम सैम हो। देखो पीछे से आपका कितना खुला है, ब्लाउज पहनी थी ना, साड़ी पहनी, आपका बैग दिख रहा था, सैम सैम तो आप हुए ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो मैंने बोला धनु ट्रेनिंग की बात हो रही है। धनु जी को देखिए, धनु इधर आइए, इधर आइए, इधर। आज एक बार बाबू को नहीं पूछे आप हैं? बाबू को हाँ। बाबू को पूछे हैं भाई, बाबू ही हमें नहीं पूछ रहे, इनको बस दोस्तों को मिलने की जरूरत होती है, कहीं भी जाते हैं दोस्त रहते हैं तो फोन यूज नहीं करता। बिल्कुल नहीं, ये फोन ना खाली होने की वजह से यूज करता है, कोई खेलने का नहीं मिलता इसकी वजह से, नहीं तो ये फोन यूज नहीं करता। तो अभी हम जाएंगे, अब हम सारे जैसे इधर उधर दिख रहे हैं ना, येलो ग्रीन में दिखेंगे। मैं तो येलो पहनूंगी, पूजा भी येलो पहनेगी, अक्षी ग्रीन पहनेगी, आरती येलो पहनेगी। चलो कोई नहीं, एक एक अक्षी पहन लेगी ग्रीन, ताकि हम सब में एक अलग से खंबा दिखे। मैं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन है ना। हाँ मैंने दिखाया है इसमें येलो और ग्रीन की सजावट है वहाँ पे, सबके साथ फोटो क्लिक करवाऊंगी ना, तो ग्रीन अलग से हाईलाइट होगा। अरे पतिदेव जी, हमने सुनो किसी ने कमेंट किया है, अभी दिखाया था ना जो कमेंट कि अक्षय मिल रही है, तो मैंने बोला रहे मैं पत्नी हूँ मुझसे पहले मिलो, जलन हो रही है मुझे से तो पता उसके कमेंट बताओ इतना गंदा कर देते हैं लोग, नहीं आती है। मैं सोचती हूँ कैसा, मतलब जीजो साली का रिश्ता, मतलब ऐसा होता बहन भाई जैसा, ठीक है। और ये देखो इनसे मिलो, ये जाने हाँ धोती है यार, देख लेना वीडियो जो जिसने कमेंट किया, शर्म करो कुछ। मतलब घर में कोई बहन होगी तो आपके पति ऐसे ही करते होंगे। जान भी बोला क्या? हाँ। पता नहीं था, मैंने देखा, मैंने बस ये देख रहा था कि ये कह रहे थे कि देखो इस मैडम को जलन हो रही है, इनके पति किसी और से पहले मिल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे कुछ रूपा से हाँ। अच्छा तो भी जलन हो रही है ऐसे, घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता जो मैं जलन करने जाऊँ, मुझे भी नहीं पड़ता। जिसका पति है ना 24 घंटे उसके पास है, अगर इसको मिल रहा था मैं जलन होने लग जाएगा। और दीदी को पता है ना हमारा रिश्ता कैसा है ना दीदी? बोलने वाली बात ही नहीं है, सबसे मेन लगे मेरी जलन की, मुझे क्यों जलन होगी, वो किसी से भी मिलेंगे जिससे जलन हुई, बताओ हुई तुझे तो नहीं पता, मुझे बोला है दोस्त के नाम।
डब्बा क्यों बन रही है फिर? अभी देखो दो चार होने जाने, मतलब अलग अलग दीदी कर, गला सूख गया यार बोल बोल के। ये कर सकती है ये जलन कर सकती है ना, तो वो तुम दोनों का रिश्ता एक है ना, इसलिए मुझे क्या करना है। चलिए हम घर भी पहुंच गए, ऐसी बातें करते करते मैं वहां पहुंची थी, ऐसी बातें करते करते आज घर पहुंच गए। सर सोचा कि सर खुद के आ रही है पहले मिलने के लिए, मैं तो अपना फोन उठाने जा रही थी। आज आज इसने बदला निकाल लिया, अब मिलो मिलो जल्दी और जलने वालों को जलाओ। नहीं मैं जल रही इसके पति से मिलो, जला मैं जल रही हूँ। किसी ने कमेंट किया था आपसे पहले मिल रही, तो मैं जल रही हूँ, मैं कह रही हूँ जला। मिलो मिलो जल्दी मिलो, मैं जल रही हूँ, मैं जल। जा रहे हो? मेरे को बाय कर रही है। बाय बाय बाय, मुझे बाय नहीं बोलेगी, मुझे देख के दौड़ के आती है। जाओ मेरे साथ दूर दूर भाग। भैया आप क्या कह रहे थे अभी? आप मुझे बोले थे जितने तुम क्रीम लगाते हो उतने अच्छा नहीं लगते। अच्छा वर्ड चेंज कर दिया। अभी बोले थे तुम जितने क्रीम लगती हो उतनी बेकार लगती हो, अभी बोले तुम क्रीम लगाती हो तो अच्छी नहीं लगती हो। देखो बात एक ही है ना, बोलने का तो थोड़ा उस तरीके से बोल रहे हैं ना। वो इसलिए मोबाइल पे कम बेइज्जती की है ना, कि ऐसे भाई बहन वाले प्यार में बेइज्जती कर रहे थे। अब कैमरा ऑन हो गया तो दिखा रहे हैं कि भाई तो हूँ लेकिन ऑडियंस का ख्याल रख रहे हैं, मतलब बेइज्जती फिर भी कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, यही कहानी। भगवान जो नेचुरल दिए हैं उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सिर्फ धोखा दे सकता है। अब देखो पहले वो कितना अच्छा लग रही था, फिर सुनो पाउडर ऐसे लगेगा, देखो लगा रही है वो अपना चेहरा अपने खराब कर रही है। देखिए यहाँ पे चेहरा खराब किया जाया जा रहा है, ये भैया का मानना है कि चेहरा यहाँ पे सुंदर है और चेहरा ये खराब कर रही है कि इधर खराब कर रही है, और मैं अपना ऑलरेडी खराब कर चुकी हूँ, है ना। ये सुंदरता लोग बैठे हुए हैं, सुंदरता की देवा, देवता लोग नहीं बोलूंगी। सो गाइस फटाफट से कैसे भी रेडी, आपको पता है घर में जो फंक्शन होता है तो यही सारी चीज़ हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। आओ छोड़ो 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 छोड़ो, अब मैं इससे अच्छा मैं निकल जाती। उठ बेटा खड़ा हो, मुझे नहीं पता मेरा क्या सब चार्जर। आइए भैया आपको, वो भी तो वहीं जा रहा है। कौन? चलो बैठो। मैं स्कूटी ले, ले लो जाओ। अच्छा ठीक है, उनको बोल देना आरती को कि गए वो। ठीक है, देखा देखा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? येलो येलो, हम तीनों येलो येलो फोटो खिंचवाएंगे। अच्छा मतलब टेंट लगा होगा। अभी मेरा अभी डांट पड़ गई कि कब से वो लोग रुके हुए हमारे लिए और हम आ क्यों नहीं रहे, इसलिए मैं आरती और पूजा को छोड़ के आ गई। निकल भी जाएंगे तो यहाँ से निकलेंगे जैसे तिलक ज्वाइन किया हुआ था। So guys, मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और पता है आप लोग साथ ऐसा होता है कभी कि अगर आपका बैक नेक भी बहुत छोटा हो। ओए ओए हीरो, ओए हीरो, ओए हीरो, क्या बोली? थोड़ा पापा को भी, ओए हीरो थोड़ा पापा को भी। ओहो मम्मा तो ध्यान ही नहीं देती, तो आगे का ब्लाउज पीछे पहन लेते हो जैसे छोटा हो ब्लाउज का गला। तो मैंने ऐसा किया है कई बार, आज भी ऐसे किया, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? फिर देखा अरे आगे का पीछे पहन रखे, मुझे लगा वर्क वाला आगे है, आगे पीछे से चीज होता है। आएगा बेटा, okay guys, और मैंने मौसम बन गया, बस ऐसा कुछ लुक रखा है। आएगा ना यार, थक जाते हैं, ये बैक टू बैक फंक्शन होता है ना, मेकअप करने का मन नहीं करता कुछ वो करने आएगा? का फिर भी करना पड़ता है, क्या ही करें। आप लोगों ने मेरे सारे ब्लॉग को बहुत प्यार दिया है, आज भी दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। 5 लाख एम है, 5 लाख नहीं एम है, 2 मिलियन नहीं एम है, 10 मिलियन। ओ माय गॉड, यहाँ से है भाई हमारा बच्चा, यहाँ से है, कहाँ गए क्या वो लोग? मैं यहाँ खड़ी कर दे रहा हूँ, मुझे तो लगा तो छोड़ के चला गया तुझे इतनी जल्दी माटी कोड़ने की। देख कैसे देख रहा है, देख रहा कैसे देख रहा है, मतलब क्या देख रहा है, हैं क्या देख रहा है, लूटने की तो नहीं सोच रहा है, यही सोच रहा है ना। ओ, ओ, दूल्हे
क्या लुटना चाहता मेरा ये रानी हाथ मेरा झुमका पास लेकर भाग जा। अच्छा तुम लोग यहीं बैठे हो, मुझे वो हल्ला करके बुला लिया, उनको छोड़ के आ गई। नींद आ रही, देखो जल्दी फेंक के मारो ओ बाप रे बाप, ये तौल देगी इसमें सब। सबसे पहले तुझे तौलूंगी, कहाँ है तू? हाँ दिख नहीं रहा था, इसी में था तौल दूंगी तुझे, चल। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासनस्ताय सुशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते देवदानव संवादे मध्यम। कथा हो रहा है और मुझे इतना जल्दी जल्दी में बुला लिया, अभी निकले नहीं है, कथा यहाँ होता रहेगा, हम डर जाएंगे माटी खोदने के लिए, अब मुझे भगा दिया, छोड़ के भी आ गया हम लोग। We'll be right back.
सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मुझे पता है इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो, सो उसका आंसर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर दूंगी। एंड मुझे क्या नेक मिला, मैंने कैसे माटी को रहा, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं। बाय बाय।